उसके लगाए हुए एलिगेशंस के ऊपर ब्रिगेडियर सेक्टर हेडक्वार्टर जूरी को नॉमिनेट कर दिया गया है। इसके ऊपर फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी की जाएगी। बीएसएफ वेलफेयर मैटर्स के जितने भी इश्यूज हैं उन पर पूरी तरह से संजीदा है और पूरा ध्यान देती है, और ये हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव मैटर है कि इस तरह की बात सामने आई है, और इस इंक्वायरी हो जाने के बाद में जो भी मुद्दे सामने आते हैं उसके मुताबिक जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। बीएसएफ में जो हमारी आईबी पर डिप्लॉयड बटालियंस हैं उनमें राशन जो है बीएसएफ परचेज करती है, जो कि एसओज का, ऑफिसर्स का और ओआरएस का अपनी अलग अलग मैसेज होती हैं और उनकी अपनी अपनी कमेटी होती है, और उसके हिसाब से जो है वो खाना उनका परचेज होता है और अपनी हिसाब से उनका मेन्यू बनता है, जिसको कि बाद में जवान जिस चीज को पसंद करते हैं वैसा बनाया जाता है। जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल जो ये जिस जगह का ये वीडियो है और जहां ये डिप्लॉयड था थोड़े समय के लिए, ये एडम बेस कैंप है खेत, जो कि 29 बटालियन में मंडी मंदिर एरिया में आता है, पुंछ के बगल का एरिया है वो। उस जगह पर जो है आर्मी ऑफ्स कंट्रोल होने की वजह से जो राशन है वो आर्मी की तरफ से सप्लाई होता है। जो इसमें खास बिंदु है जो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि 1 जनवरी से यहां पर विंटर स्टॉकिंग का राशन स्टार्ट हो जाता है। तो विंटर स्टॉकिंग के राशन में विशेषता ये रहती है कि उसमें जो फ्रेश होते हैं वेजिटेबल्स, जो फ्रेश वेजिटेबल हैं वो नहीं सप्लाई हो पाते हैं। टिंड फूड होता है, डिहाइड्रेटेड होता है और ड्राई राशन होता है जो कि वहां मिलता है, और ये जो सप्लाई है ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आईटीबीपी, आर्मी, लगभग एक ही तरह का राशन है जो सप्लाई किया जाता है, और हमें आर्मी से ही राशन मिलता है जो वहां दिया जाता है। प्रेस्क्राइब्ड ऑथोराइज आइटम्स होते हैं जो कि वहां पर रखे जाते हैं, चाहे एडम बेस कैंप हो या ऊपर वाली एफडीएल्स हो। ये तो नीचे था जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी दूर की जगह है जहां पर ये इसको थोड़े समय के लिए पोस्ट किया गया था। बेसिकली 28 दिसंबर से इसने काम करना शुरू किया था, और वहां के जो आइटम्स हैं, यस हाँ ये मैं मान सकता हूं कि खाने का स्वाद जो जो फ्रेश होने की वजह से होता है वो नहीं आ पाता है, दूसरा है, लेकिन जवानों को इसमें कंप्लेंट नहीं होती क्योंकि टाइम टेस्टेड मेथड है, और जो हमें राशन मिलता है आर्मी की तरफ से वो बहुत बढ़िया राशन होता है और जवानों को उसमें कंप्लेंट नहीं होती है, और उसके अंदर जो है बाकायदा जो है जितने भी वेज और नॉन वेज हर किसी के लिए प्रोविजन डिहाइड्रेटेड और टिंड फूड के रूप में दिया जाता है, और इस वहीं उसी तरह से उसको जो है सुचारू रूप से चलाया जाता है।